हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास और क्लास 11 बिजनेस। द टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो उसी तरीके से आज मैं आपसे बात करता हूँ जैसे कि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या होता है। तो कंपनी में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे इट गेट फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें एक फॉर्म फिल करना होता है जिससे हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं कंपनी का। द मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। कंपनी जो भी कंपनी एक कंपनी बनाई जाती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हम किसी भी तरीके से हम प्रॉफिट अर्न करें। नेक्स्ट है हमारा फ्री ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कंपनी से शेयर्स जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ट्रांसफ़र दे सकते हैं। नो स्पेशल प्राइवेटेज, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल प्राइवेटेज नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। जो वोटिंग राइट्स होती है वो वन शेयर्स वन वोट के हिसाब से होती है। जैसे हम किसी भी कंपनी में वोटिंग शेयर्स जो होते हैं वो हम वन शेयर्स टू वन वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, टू गेट फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम फॉर्म फिल करते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में आता है। नेक्स्ट है हमारा मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। हमारा मेन मोटिव इसमें क्या होता है, हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है हमारा सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें हम किसी भी तरीके का शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। मैनी कंसेशन एक्सपेक्शन गारंटीड, मतलब कोई भी कंसेशन या एक्सेप्शन हमारे संग गारंटीड होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे मेंशन में शो नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स वन मेंबर वन वोट। जैसे कोऑपरेटिव, जैसे हमने आपको बताया कंपनीज में वन शेयर वन वोट होता है, वैसे ही कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में वन मेंबर वन वोट के हिसाब से हमारा इसमें वर्क होता है। तो इस तरीके से हम कंपनी में किसी भी तरीके का कोई भी हमारा जो राइट्स होते हैं या हमारे जो मोटिव होता है वो होता है हमारा अर्न ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से ही। और कोऑपरेटिव का जो हमारा मोटिव होता है वो होता है कि हम किसी को प्रोवाइड, मतलब किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमारी सर्विस, जैसे हम किसी कंपनी में कोऑपरेटिव वर्क में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किसी बंदे को वर्क की ज़रूरत होती है, किसी बंदे को डिग्रीज हैं या किसी बंदे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उसको कहीं जॉब नहीं मिलती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस बंदे की इसमें हेल्प करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें क्या करती है, वो उस बंदे को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और उसको वर्क कराती है। अब कंपनीज़ में क्या होता है, कंपनी का मेन मोटिव होता है कि हम सिर्फ उसमें सिर्फ अर्न प्रॉफिट ही कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र टू शेयर करने की हमें पूरी फ्रीली तरीके से कंपनी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी शेयर को। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोऑपरेटिव टाइप की सोसाइटी होती है, तो इसमें हम किसी भी तरीके का शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़ में जो डिफरेंस होते हैं, तो उसी कहीं ना कहीं तरीके से हमारी कंपनीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी सिमिलर होता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।